नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। आज मैं जिनके किस्से आपको सुनाने जा रहा हूं, उनके लिए बस इतना ही कह सकता हूं कि देश में जब 2-4 हज़ार रुपए में एक मिडिल क्लास परिवार की शादियां हो जाती थी, उस ज़माने में इन्होंने अपनी बिल्ली की शादी में 12 हज़ार रुपए खर्च किए और उनके बच्चों के लिए 20 हज़ार की शाही बग्घी खरीदी। तवायफ थी, लेकिन रुतबा गजब का था। ऐसा कि महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में इनसे आर्थिक मदद मांगी थी। ये अपने जमाने की सबसे रईस तवायफ थी। 1910 में करीब 1 करोड़ की नेट वर्थ वाली गौहर जान को महफिलों में गाने के लिए प्राइवेट ट्रेन भी मुहैया कराई जाती थी। गौहर जान ने 20 भाषाओं में करीब 600 गाने रिकॉर्ड किए थे। हर गाने की रिकॉर्डिंग के समय इनके कपड़े और ज्वेलरी सब नए होते थे। एक बार पहने गहनों को वो दोबारा नहीं पहनती थी। सोने की 101 गिन्नियां लिए बिना गाना शुरू नहीं करती थी। गौहर जान की पूरी जिंदगी ही बेहद दिलचस्प रही। इन्हीं में से कुछ किस्सों को चुनकर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो की मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं किस्सा। किस्सा नंबर 1, गौहर गजलें लिखती थी। उनका पेट नेम हमदम था। गौहर जान, ये नाम है उस महिला का जिसे भारतीय संगीत का नक्शा बदलने के लिए जाना जाता है। ये पेशे से एक तवायफ थी, लेकिन कमाल की गायिका थी। इनकी गायकी की ऊंचाई का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि देश में जब सोना 20 रुपये तोला बिकता था, तब ये एक गाने की फीस 3 हज़ार रुपये लेती थी। उस समय ये इतनी बड़ी रकम थी कि ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें फीस कम करने की चेतावनी तक दे डाली, फिर भी ये अपनी शर्तों पर कायम रहीं। किस्सा नंबर 2, गौहर जान का जन्म 26 जून 1873 में पटना में हुआ था, लेकिन परवरिश हुई आजमगढ़ में। इसी कारण वो आजमगढ़ की ही कहलाती हैं। उनके बचपन का नाम एंजेलिना येवार्ड था। बर्फ की फैक्ट्री में काम करने वाले अर्मेनियन मूल के पिता विलियम रॉबर्ट और इंडियन मूल की माँ विक्टोरिया हेमिंग ने इनका नाम एलिन एंजेलिना रखा। गौहर जान की जिंदगी बचपन से ही दुखों में कटी। जब वो 6 साल की थी, तब उनके माता पिता अलग हो गए। गौहर उस समय बच्ची ही थी, लेकिन रोज होते माता पिता के झगड़े उन्हें परेशान करते थे। कहा जाता है कि गौहर की माँ विक्टोरिया का विलियम के दोस्त खुर्शीद के साथ अफेयर था। दोनों के अलग होने की यही वजह बताई जाती है। विलियम से अलग होने के बाद विक्टोरिया ने इस्लाम अपना लिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद वह मलका जान कहलाई जाने लगी और बेटी बन गई गौहर जान, और उन्होंने खुर्शीद से शादी कर ली। विक्टोरिया बनारस की नामचीन कथक डांसर और गायिका थी। विक्टोरिया शादी के बाद 1883 में कोलकाता आ गई, जहाँ उन्हें बड़ी मलका जान नाम से पहचान मिली। वहीं बेटी एलिन का नाम गौहर जान हो गया था। मलका जान और उनकी बेटी गौहर ने गायकी और शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग ली। पटियाला के काले खां, अली बख्श, रामपुर के उस्ताद वजीर खां, कोलकाता के प्यारे साहिब और लखनऊ के ग्रेट महाराज बिंदादीन इनके गुरु रहे। 3 साल में ही मलका जान ने 24 चितपुर रोड रविंद्र सरणी में 40 हज़ार रुपये में एक बिल्डिंग खरीद ली, जहाँ वो अपनी महफिल सजाया करती थी। उस समय तक मलका जान स्थापित गायिका बन चुकी थी। लोग उन्हें बड़ी मलका जान के नाम से जानते थे। 1883 में ही मलका जान कलकत्ता में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में नियुक्त हो गई। किस्सा नंबर 3, लेखक विक्रम संपत ने गौहर जान पर एक किताब लिखी, जिसमें उनकी जिंदगी के छोटे से लेकर बड़े पहलुओं पर चर्चा की गई है। इस किताब का नाम है माई नेम इज गौहर जान, द लाइफ एंड थीम्स ऑफ म्यूजिशियन। इस किताब में गौहर जान से जुड़ा हुआ एक बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि गौहर जब महज 13 वर्ष की थी, तब उनके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना ने गौहर जान को तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। एक संगीत ही ऐसी चीज़ थी जिसने गौहर जान को इस दर्द से उभरने में मदद की। संगीत ने उन्हें इतना मजबूत बनाया कि वह देश दुनिया में अपनी पहचान बना बैठी। किस्सा नंबर 4, बिहार राज्य के दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के शासनकाल में 9 वर्षों यानी कि 1887 से 1898 तक गौहर जान दरभंगा की राज संगीतज्ञ रहीं।
1887 में गौहर जान ने दरभंगा के लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के दरबार हॉल में महज 14 साल की उम्र में अपनी पहली प्रस्तुति दी। करीब 11 साल वो दरभंगा में रहीं। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के निधन के बाद 1901 में गौहर जान दरभंगा से कोलकाता चली गई। इन्होंने सन 1902 से 1920 के बीच बंगाली, हिंदुस्तानी, गुजराती, तमिल, मराठी, अरबी, पारसी, पश्तो, फ्रेंच और अंग्रेजी समेत 10 से भी ज़्यादा भाषाओं में 600 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड किए। अपनी ठुमरी, ख्याल, दादरा, कजरी, चैती, भजन और तराना के जरिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को दूर दूर तक पहुंचाया। गाने के साथ डांस करते हुए गौहर जान कोलकाता की पहली डांसिंग गर्ल बनी। अपनी परफॉर्मेंस से दरभंगा के महाराजा को इम्प्रेस कर यह उनकी सभा की गायिका बन गई थी। ये ख्याल, ध्रुपद और ठुमरी में ऐसी माहिर थी कि इन्हें उस जमाने की सबसे महान ख्याल सिंगर कहा जाने लगा था। महफिल में इनके गाने सुनने वाले राजा महाराजा अपने कीमती जेवर नजराने में दे दिया करते थे। ये इतनी स्वाभिमानी थी कि उस जमाने में कभी इन्होंने 1000 से कम का नजराना नहीं लिया। नतीजन ये अपने जमाने की सबसे मशहूर और रईस गायिका थी। गौहर जान का रुतबा ऐसा था कि वो सिर्फ राजाओं की महफिल में गाया करती थी। वहाँ राजघराने के लोग ही शामिल हुआ करते थे। आम जनता के लिए उनका गाना सुनना एक सपना था, क्योंकि न उन्हें राजाओं की महफिल में शामिल होने की इजाज़त थी, न ही उनकी गौहर को 1000 रुपये नजराना देने की हैसियत। किस्सा नंबर 4। ग्रामोफोन कंपनी उस समय भारत में बिजनेस बढ़ाना चाहती थी। कंपनी ने पाया कि गौहर जान के गाने सुनने के लिए भीड़ उमड़ती है, लेकिन वो आम जनता के लिए नहीं थे। इसे ग्रामोफोन कंपनी ने अवसर में बदला और गौहर जान से गाने रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट की। गौहर जान ने एक गाने के लिए 3000 रुपये फीस की डिमांड की। ग्रामोफोन कंपनी ने कोलकाता के एक होटल में 2 कमरों में एक अस्थायी रिकॉर्डिंग स्टूडियो तैयार किया, जहां गौहर जान अपने सभी गायकों के साथ पहुंची। गौहर बेशकीमती सोने के जेवरों से लदी हुई पहुंची। उनकी गहरे रंग की साड़ी के बॉर्डर सोने की असली एम्ब्रॉयडरी से बने थे। लंदन की ग्रामोफोन कंपनी के रिकॉर्डिंग इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम गेंसबर्ग ने उन्हें टेबल पर चढ़कर रिकॉर्डिंग हॉर्न में सिर डालकर जोर से गाने को कहा। उनकी आवाज़ के जोर से दूसरी ओर बनी सुई घूमती और मास्टर सेलेक्ट डिस्क पर खांचे काटते। 3 मिनट की रिकॉर्डिंग खत्म होने से पहले गौहर जान जोर से चिल्लाई, माय नेम इज गौहर जान। बाद में ये इनकी सिग्नेचर लाइन बन गई। दरअसल नाम चिल्लाने के पीछे कारण ये था कि जर्मनी में प्लेट तैयार करते हुए इंजीनियर नाम सुनकर ही प्लेट में लेबल लगाते थे। कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत को कट शॉर्ट कर 3 से 4 मिनट का बनाने में गौहर जान का ही हाथ था। जर्मनी में रिकॉर्ड की प्लेट तैयार की गई, जो 1903 में भारतीय मार्केट में उतरी। गानों की डिमांड बढ़ती गई और बाद में गौहर के गाने लगातार रिकॉर्ड किए जाने लगे। किस्सा नंबर 5। गौहर जान की फीस उस जमाने में इतनी ज़्यादा थी कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें फीस कम करने का नोटिस भी भेजा। इसके बावजूद गौहर ने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया। उन्होंने कभी अपनी फीस कम नहीं की। ग्रामोफोन कंपनी के रिकॉर्डिंग इंजीनियर रहे मिस्टर F.W. गैसबर्थ ने हमेशा नोटिस किया कि गौहर बाई रिकॉर्डिंग में कपड़े और सोने के जेवर कभी रिपीट नहीं करती थी। गौहर को लग्जरी गाड़ियों और शाही बग्घियों का भी शौक था। हॉर्स रेसिंग का तो ऐसा शौक था कि वो हर साल रेसिंग सीजन में कोलकाता से मुंबई आया करती थी। उनकी महफिल में बैठने का नजराना ही 1000 से 3000 के बीच हुआ करता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो करोड़पति थी। उस जमाने में सिर्फ शाही परिवार ही करोड़पति हुआ करते थे। किस्सा नंबर 7। गौहर को मध्य प्रदेश के दतिया में एक परफॉर्मेंस देने जाना था। उस समय जब लिमिटेड ट्रेन हुआ करती थी, तब गौहर जान ने अपने साथी सिंगर धोबी, कुक, हकीम को ले जाने के लिए पर्सनल ट्रेन की डिमांड की थी, जो पूरी भी की गई। किस्सा नंबर 8। जब गांधी जी ने स्वराज आंदोलन की शुरुआत की, तो उन्होंने फंड इकट्ठा करने के लिए तवायफों से मदद मांगी। फंड की सख्त ज़रूरत थी, तो गांधी जी कोलकाता की सबसे मशहूर तवायफ गौहर जान के पास पहुँचे, जिनके हुनर और अमीरी के चर्चे देश भर में थे। गौहर जान ने फंड इकट्ठा करने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन शर्त ये रखी कि जब वो महफिल में गाए तो गांधी जी भी वहाँ मौजूद रहे। गांधी जी मान गए, लेकिन जब महफिल शुरू हुई तो वो पहुँचे ही नहीं।
गौहरजान रात भर गांधी जी का इंतजार करती रही, लेकिन हाथ बस मायूसी आई। इस महफिल से गौहर ने पूरे 24,000 रुपये चंदा इकट्ठा किया। जब अगले दिन गांधी जी ने अपने साथी मौलाना शौकत अली को चंदा लेने भेजा तो गौहर गुस्से से भरी बैठी थी। उन्होंने पैसे मांगे तो गौहर ने महज 12,000 रुपये देते हुए कहा, आपके बापूजी ईमान की बात तो करते हैं लेकिन एक मामूली तवायब से किया गया वादा पूरा नहीं कर सके। वो खुद नहीं आए इसलिए स्वराज फंड अब आधी रकम का ही हकदार बनता है। किस्सा नंबर 9। एक ज़माने की मशहूर तवायब बेनज़ीर बाई को एक बार गौहर जान के सामने गाने का मौका मिला। बेनज़ीर अपने सारे कीमती हीरे और सोने के गहने पहनकर पहुंची थी। परफॉर्मेंस के बाद गौहर ने उनसे कहा, बिस्तर में भले ही तुम्हारे गहने खूब चमकें लेकिन महफिल में सिर्फ तुम्हारी कला चमक सकती है। बेनज़ीर इस बात को सुनकर ऐसी टूट गई कि उन्होंने मुंबई जाकर अपने सारे गहने अपने गुरु को दे दिए और गाने की तालीम लेने लगी। तालीम पूरी होते ही बेनज़ीर को दोबारा गौहर के सामने गाने का मौका मिला तो जवाब मिला, भगवान तुम पर आशीर्वाद बनाए रखे, अब वाकई तुम्हारे हीरे चमक रहे हैं। किस्सा नंबर 10। गौहर के जीवन में 3 पुरुष थे जिनमें से एक जमींदार निमाई सेन थे। उनका गौहर के साथ रिश्ता बहुत गहरा था। इस बात का अंदाज़ा उनके द्वारा दिए जाने वाले अमूल्य उपहारों से लगाया जा सकता था, लेकिन वो एक ना हो सके। इसके बाद गौहर ने 10 साल छोटे तबला वादक पठान से शादी की जो उनके असिस्टेंट भी हुआ करते थे। उस पठान ने धोखे से गौहर की जायदाद अपने नाम कर ली। कुछ समय बाद जब गौहर को पता चला कि शादीशुदा होने के बावजूद पति का रिश्ता दूसरी औरतों से है तो उन्होंने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। कानूनी लड़ाई लंबी चली जिसमें गौहर के बचे खुचे रुपए लग गए। इसी समय गौहर की माँ मलका जान गुजर गई। इस समय गुजराती स्टेज एक्टर अमृत बगल नायक इनके करीब आए और इनका सहारा बने। दोनों का रिश्ता करीब 3 से 4 साल चला, लेकिन अचानक ही अमृत की मौत ने गौहर को और तोड़ दिया। 1911 में बगलू नाम के एक शख्स ने कोर्ट में ये दावा किया था कि गौहर जान मलका जान की जायज संतान नहीं है। उस शख्स ने कहा कि वो खुद मलका जान का बेटा है, ऐसे में मलका की मौत के बाद उनकी सारी संपत्ति गौहर को नहीं बल्कि उन्हें मिलना चाहिए। ट्रायल के दौरान ये सवाल भी उठा कि गौहर के पिता कौन थे। हालांकि सबूतों की कमी के चलते गौहर ने ये केस जीत लिया। जो रिश्तेदार गौहर को सहारा देकर साथ ले गए उन्होंने धीरे धीरे उनकी सारी दौलत लूट ली। आखिरी दिनों में गौहर पाई पाई की मोहताज हो गई। रिश्तेदारों से परेशान होकर गौहर जान रामपुर की सभा में सिंगर बन गई। यहाँ भी कुछ दिन रहने के बाद गौहर मुंबई चली गई। 1 अगस्त 1928 को गौहर मैसूर के राजा कृष्ण राजा वादियर 5 के कहने पर मैसूर कोर्ट की गायिका बनी। मैसूर के शाही दरबार में वो केवल 18 महीने तक नौकरी कर सकी, क्योंकि हमेशा चाहने वालों की भीड़ से घिरी रहने वाली गौहर जान ने किसी बीमारी में बुखार बढ़ जाने के कारण 17 जनवरी 1930 को अस्पताल में दम तोड़ा और उनकी कोई खबर लेने वाला तक नहीं था। उन्हें कहाँ और किसने दफनाया इस बात की भी जानकारी कहीं नहीं है। उनके पति ने उनको कानूनी दाव पेच में उलझा दिया था और उनके पति और रिश्तेदारों के आर्थिक शोषण के कारण वो अपना वैभवयुक्त जीवन और पैसे गंवा चुकी थी। वो तब 58 वर्ष की थी और फिर बीमार रहने लगी और 60 की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। माई नेम इज़ गौहर जान, उनका ये नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर मशहूर था। किस्सों की दुनिया में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।